किसान साथियों, मैं पहुंच चुका हूं पूसा कृषि मेला में। और ये मार्च 9 मार्च से और 11 मार्च तक है, तो जो भी किसान साथी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आज 9 मार्च है तो मैं अभी पहुंचा हूं। कुछ किसानों के फ़ोन कॉल आए थे तो अब उनसे मिलना है। ये देखिए, ये इसका बाहरी रूप है। ये ताऊजी आए हुए हैं। ताऊजी कहाँ से हो आप? गंगानगर से। गंगानगर से? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ आपको क्या जानकारी लेना है? और नई सब्जियों की हम खेती करते हैं, खेती के बारे में जो भी जानकारी है। मेला घूमे आए। अच्छा, मेला घूम लिया आपने? घूम लिया। अच्छा, क्या अच्छा लगा आपने? सभी कुछ अच्छा ही है। अच्छा, सभी अच्छा है? सभी अच्छा ही है। फिर आपने बीज वगैरह लिए कि नहीं? अभी लेंगे। अच्छा। हाँ, वो अपनी अपनी जरूरत मंद से है ना, जिसको जो भी मशीनरी है या सीड है या जो जैसी खेती करता है। हाँ, उस प्रकार के सभी प्रकार की प्रदर्शनी अच्छी है। अच्छा, जिसको जो चाहिए, जिसके लागू होता है अपने खेत में, जिस प्रकार का वातावरण क्लाइमेट है उसी हिसाब से सभी चीजें उपलब्ध है यहाँ, और अच्छी जानकारी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, किसानों को यहाँ मेला देखने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, तो ये किसानों के लिए इतना सरकार कर रही है, आना चाहिए। कुछ मिलेगा ही ना? हाँ, मिलेगा। जा क्या रहा है? बात सही है। हाँ, तो किसान साथियों, ये ताऊजी की राय थी। तो इस तरह आप ये देखें, सरसों का इसमें डेमो लगा हुआ है, काफी वैरायटी का। फिर आगे चने का है, गेहूं का है। ये देखिए, ये ड्रोन सिस्टम है स्प्रे का। जैसे बड़े हो जाओगे ना, तो ये की तरह से आप उड़ाओगे धीरे धीरे करके। इसमें ये काफी डेमो लगाए हुए हैं, जैसे ये चने का है, ये इनकी नई किस्में हैं। बाकी यहाँ पर आपका पंजीकरण हो जाएगा, आपको यहाँ से कुछ कैटलॉग ले सकते हैं। तो आगे का अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।